नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे थे हिंदुस्तान 100 और अब शुरुआत करते हैं खबर हॉट है की। कौन सी खबर हॉट है आपको बताते हैं। पाकिस्तान से आई है ये खबर। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई इमरान सरकार अब तानाशाही पर उतर आई है। नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के पति सफदर अवान को इमरान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष की लगातार दूसरी रैली के बाद खौफजदा इमरान ने विपक्ष को डराने के लिए ये कार्रवाई की है। कौम से मेरा वादा है, आपको गवाह बना के कहती हूं कराची के बहनों और भाइयों, ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक नालायकी और ना अहली के अंधेरों से आपको निजात नहीं दिला देंगे। कराची के मंच से इमरान को ललकारते वक्त मरियम को जरा भी इल्म नहीं था कि लोकतांत्रिक तरीके से पाकिस्तान के वजीर आजम बने इमरान खान तानाशाही पर उतर आएंगे और मरियम के पति जेल भेज दिए जाएंगे। कराची की रैली से थके हारे लौटे मरियम और उनके पति होटल में ठीक से सोए भी नहीं थे, तभी इमरान की पुलिस ने होटल पर धावा बोल दिया और होटल में मरियम के कमरे का लॉक तोड़कर कमरे के भीतर दाखिल हो गई। पति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मरियम नवाज ने ट्वीट किया और बताया कि कराची के जिस होटल में मैं ठहरी थी, पुलिस वहां होटल का दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुई और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर ले गई। मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, अय्यूबी मार्शल लॉ मुर्दाबाद। सर बेहतर सर, जी बेहतर सर। कराची में रैली से पहले मरियम ने पाक मीडिया से बात करते हुए अपने तेवर जाहिर कर दिए थे, जिससे इमरान खान खौफ खा उठे। हुकूमत को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इंशाल्लाह ताला हुकूमत को थोड़े दिनों में सब नजर आ जाएगा। दरअसल पाकिस्तान में विपक्ष के 11 दलों ने एक साथ आकर इमरान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। गुजरावाला में विपक्ष की हुकार ने इमरान को बेचैन कर दिया था, वहीं कराची में हुई विपक्ष की रैली को देखकर इमरान को अपनी कुर्सी खिसकती नजर आई। जब हो तो इत्तेहाद कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। इसका एजेंडा सिर्फ एक वाहिद है कि आप इलेक्शन के अंदर जो आप वोट डालते हैं उसकी हकीकी मानों में हिफाजत करने के लिए ये पीडीएम का इतिहास बना। लिहाजा अब इमरान भी मुशर्रफ की द्रा पर निकल पड़े हैं और पुलिस के सहारे विपक्ष की आवाज दबाने में जुट गए हैं। सफदर अवान की गिरफ्तारी पाकिस्तान में इमरान की तानाशाही का पहला कदम है। मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, अय्यूबी मार्शल लॉ मुर्दाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर हॉट है और बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर बलिया गोलीकांड से जुड़ी हुई। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को जेल भेज दिया गया है। आरोपी धीरेंद्र सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है और जिला कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो कल मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। यूपी एसटीएफ ने दबोचा धीरेंद्र सिंह को कल और अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। धीरेंद्र सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बयान पर सियासत तेज हो गई है। भोपाल में सीएम शिवराज का मौन धरना जारी है। इमरती देवी के खिलाफ दिए विवादित बयान को लेकर मौन धारण किए हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बयान पर
सियासी संग्राम चल रहा है, सियासत तेज हो गई है और भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौन धरने पर बैठे हैं। उनका मौन धरना अब भी जारी है। मर्ती देवी के खिलाफ दिए बयान पर, जिस पर काफी विवाद खड़ा हुआ था, उसको लेकर ये मौन धरना जारी है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।